भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां वालों FCI दफ्तर का घिराओ। दफ्तर अते गोदामां दा घिराओ कर किया गया रोस प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां वालों संयुक्त किसान मोर्चा वालों दिते प्रोग्राम अनुसार सवेर तो ही बटाला विखे FCI दफ्तर अते गोदामां दा घिराओ कर प्रदर्शन किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन एकता जथेबंदी दे आगुआं समेत वड्डी गिनती विच किसान अते औरतां इस धरने विच शामिल हुईआं। संयुक्त किसान मोर्चा दे दिते प्रोग्राम अनुसार अज सवेर तो लैके शाम 5 बजे तक यह धरना दिता जा रहा। उथे प्रदर्शन विच शामिल किसान आगुआं ने कहा कि पिछले लंबे समय तो अपने परिवार समेत खेती कानून अधे केंद्र वालों लियांदे होरना कानूना खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। उसके बावजूद केंद्र दा रवैया अड़ियल बनिया होया है अते इन्हां आगुआं दा कहना सी कि उन्हां दा आंदोलन उदों तक जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार अते देश दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसले वापस नहीं ले लैंदा। इस दे नाल ही इन्हां आगुआं दा कहना सी कि अज दा घिराओ दा मुख मकसद केंद्र सरकार शांता कुमार दी रिपोर्ट नूं लागू कर FCI विभाग नूं खत्म करन दी तैयारी च है अते वड्डे घराणियां नूं देश वेच रही है जो कि यह सारे फैसले किसान विरोधी अते देश दे हर वर्ग लई घातक ने। मेरा नाम सिकंदर सिंह पिंड भेड़ पत्तन ब्लाक प्रधान श्री हरबिंदपुर। असीं जिहड़ा ये धरना जो भी सरकार आ ये सरकारी इदारे सारे खत्म करने चाहुंदी जो प्रधान होना तुहानूं दस्सिया आ ये FCI की सारी सरकारी इदारे कहिंदे खत्म हो जाण उस ढंग नाल जे हुण असीं फसल वेचणी आ उधरों ही फरदा लभदे फ्रीए उधरों फरदा लभे जो हूँ मैं वाही कर दिया ठेके से कर दिया वो किसी मालक की जमीन होंगी है वो मालक के ना चल जूगी वो ठेके वाला बेचारा जोड़ा साल का वह खेती खतरी खूह पैजूगी वो ना पैसे दूगा ये सानू कोई दाग नहीं चाहिए सानू सीधी जिदा पेमेंट अगे आड़ती थ्रू आई जाए ले जाए जो ये पूरा शोध करे उदो किसानों के जे मन आई सानू मन ही नहीं साडा कर दिया कि सानू ये नहीं सही तो साढ़े धक्के ही थोपे जाते हैं ना मन। असी अज भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां अते संयुक्त किसान मोर्चे के सदे ते FCI गोदाम FCI दफ्तर के खिलाफ धरना दे रहे हैं क्योंकि ये जिहड़ियां शर्तां हुण कणक खरीद ते लाइया गई ये शर्तां जिहड़ी 3 खेती कानून पहलां लियांदे आ सरकार ने उन्हां तों कोई वक्खरा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो 3 कानून भी जिहड़े आ FCI की खरीद बंद करना चाहुंदे आ लोकां किसानां दीआं फसलां सरकारी रेट तो भज के तो कार्डबुक घराणियां दे हवाले करना चाहुंदे आ इस करके असी ये शर्तां नूं जिहड़ियां उन्हां 3 खेती कानूनां तों वक्खरा नहीं मानदे क्योंकि भारत सरकार जिहड़ी आ उस सरकारी खरीद तों भजना चाहुंदी आ इस करके ही उन्हें ये जिहड़ियां शर्तां लाईआं जे जिथों तक सीधी अदायगी की गल है भी सीधी अदायगी काश्तकार नूं बनदी है भी काश्तकार जिन्हां काश्तकारां ने जिहड़ा आ आप ठेके दे जमीनां लईआं जां वो जमीनां जिहड़ियां बेनामियां सरकार ने बहुत समा पहला किसानों नूं कहा सी भी तुसीं इहनूं आबाद कर लो ते इह तुहाडे नाल कर दित्तियां जाणगियां अजे तक उहनां दे नां नहीं कीतियां वो किसान की करनगे बहुत सारे किसान जिन्हां दे प्यो दादे दे नां ते जमीनां बोलदियां वो किसान जिहड़े आ की करनगे इस करके ये शर्तां ते सिर्फ FCI की खरीद तो भजना चाहुंदियां FCI नूं जिहड़ा आ खत्म करना चाहुंदियां ते जिहड़ा मंडी सिस्टम है उहनूं तबाह करना चाहुंदियां। इस गल की जदोजहद चल रही है कि सरकार जी FCI बाहर रखे क्योंकि सरकार आने वाले समय के जिवें पंजाब एग्रो FCI आ ये सारिया खत्म कर जा रही है क्योंकि जे जिन्हें ने शर्त रखी हुई ने इन शर्त किसान को पूरिया नहीं हो सकता क्योंकि किसान जिस वेले फसल पकती है उस वेले तो कुदरती आफत दूजी नाल अग वाली चल पी है जी जो हाथ ना मारे उदो अग नहीं चल रही हूँ इन्नी अग का पता नहीं खतरे वाली गल बनी हुई है किसान भी होंगे कि जिस तरह दे एक दिन जहाँ लंघता वो बहुत औखा होंगे तो इन शर्त सारे भारत के 700 कुछ जिले के FCI दफ्तर का मुकम्मल तौर पर घिराओ किया हुआ वा ता कि साड़ी खरीद जी है FCI बहाने बना के खत्म कर जा रही है जिदे नाल साढ़े मतलब किसानी जिनसा जी रोल की संभावना पूरी पक्की आ किसानों रेट नहीं मिलना जोड़े साढ़े मजदूर 2 रुपये किलो राशन लैके अपना गुजारा करते सी उन्हां नूं ये राशन नहीं मिलना मुकम्मल तौर पर ठप्प हो जाना FCI नूं खत्म करके तो प्राइवेट हत्थां दे विच उन्हूं देना चाहुंदी आ जिहदा असीं इहदा सख्त विरोध करते हैं तो मंग करते हैं कि FCI जिहड़ी आ इहनूं ज्यों दा त्यों रख्या जाए सगों इहदे विच जिहड़ियां खाली पईआं आसामियां उन्हां नूं भरिया जाए तो होर इहदा वधिया तरीके नाल प्रबंध किया जाए खरीद का ये साडियां मंगां ने 6-7 जिन्हां दा असीं अज मंग पत्र भारत के अनाज मंत्री नूं इत्थों दे FCI दे जो भी इन्हां दा अधिकारी है वड्डा उहदे राहीं भेजणा।
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।